अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट पुडिंग। सबसे पहले हमने 3 अंडे लिए हैं, 14 मेरी बिस्किट, 1 कप शक्कर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लीटर दूध, 1 चम्मच इलायची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम एक बाउल में 1 लीटर दूध डालेंगे। उसके बाद हम इसमें सारे बिस्किट डाल देंगे और उसे 5 मिनट तक फूलने रख देंगे। इसमें हम शक्कर डालेंगे, अंडे डालेंगे, इलायची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डालेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। एक मिक्सर का जार लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके ये सब इसमें डाल के फेंट लेंगे। हमने केक का टिन लिया है। जो बैटर हमने फेंट के लिया है उसे इसमें डालेंगे। हमने एक बर्तन में 1 लीटर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके अंदर हमने एक गारा रखा है। अब हम इसको स्टीम पर पकाएंगे। हम इसे 30 से 35 मिनट तक स्टीम पर पकाएंगे। हमारे 35 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं हमारी पुडिंग बनी है या नहीं। हम एक छुरी की मदद से इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं छुरी बिल्कुल क्लियर निकली है। हमें बीच बीच में चेक करना है। अगर इसका पानी ख़त्म हो गया है तो हमें उसे वापस डालना है। अब हम इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। 2 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख दिया था। हमारी पूड़ी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसके इस तरह से साइड चुरा लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी पूड़ी बनके रेडी हो चुकी है और कितनी सॉफ्ट बनी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है।